आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो नई वैकेंसी के लिए पद स्वीकृत किए गए हैं उसके बारे में। कुल 148 पदों के लिए यह नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर आने वाले समय में भर्तियां की जाएगी। अभी ये वैकेंसी नहीं है, ये स्वीकृत पद हैं। यदि पद स्वीकृत किए गए हैं तो इन पर भर्तियां की जाएगी। अभी लॉकडाउन के वजहों से नई वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है और आने वाले समय में इन ये पद स्वीकृत किए गए हैं तो इन पर भर्तियां की जाएगी। आपको इसके संबंध में हम पूरी जानकारी देंगे, इसमें योग्यता क्या रहता है और पदों की संख्याएं कितनी कितनी हैं, कौन कौन से पद हैं और कौन से बोर्ड द्वारा भर्तियां ली जा सकती है। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे और जॉब से जुड़े नए नए वीडियो का अपडेट पाने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के बगल में स्थित नोटिफिकेशन के बेल के बटन को भी दबा देंगे। नोटिफिकेशन के बेल के बटन को दबाने का लाभ ये होता है कि आगे जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का लाभ ले सकेंगे। चलते हैं वैकेंसी के बारे में जानते हैं। आप यहां देखेंगे तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और हम आपको ऑफिशियली अपडेट भी दिखाएंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। नगरीय प्रशासन एवं चिकित्सा विकास विभाग द्वारा ये नया अपडेट दिया गया है और आप देखेंगे तो नगर पालिका निगम रायपुर की पुनरीक्षित पद संरचना स्वीकृत की गई है। नगर पालिका निगम रायपुर के प्रस्ताव एवं सचिवालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनुसार पुनरीक्षित पद संरचना में निम्नलिखित अतिरिक्त पद और ये नियमित पद होंगे की स्वीकृति दी गई है। आप देखेंगे तो नियमित पद की स्वीकृति दी गई है और इसमें आप देखेंगे तो इसमें 68 पद है और एक और है उसमें 80 पद है। दोनों को आप मिलाते हैं तो कुल 148 पद हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जोन कमीशन के 2 पद हैं, उप अभियंता के 8 पद हैं और सहायक राजस्व अधिकारी के इसमें 2 पद हैं। इसी तरह राजस्व निरीक्षक के 4, राजस्व उप निरीक्षक के 4, सहायक राजस्व निरीक्षक के 16 पद हैं, जबकि सहायक वर्ग 3 के 6 पद हैं। कार्य सहायक एवं समयपाल के इसमें 6 पद हैं, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के 2 पद हैं, स्वच्छता निरीक्षक के 2 पद हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक के 16 पद हैं। ये जो पद स्वीकृत किए गए हैं ये अलग अलग एजेंसी के माध्यम से भर्ती होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो राजस्व निरीक्षक के जो पद होते हैं वो व्यापम के माध्यम से होता है और स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता पर्यवेक्षक ये भी व्यापम के माध्यम से ही होता है, लेकिन जो बड़े अधिकारी की पोस्ट रहते हैं उसकी भर्ती CGPSC द्वारा ली जाती है और कई पदों पर सीधी भर्ती भी निकाली जाती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसके बारे में और अपडेट आप यहां से देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार का जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट होता है, जो 68 पद स्वीकृत किए गए हैं जो कि नियमित पद होंगे उसके बारे में यहां दिया गया है और ये अपडेट आज ही का अपडेट है। नगर निगम रायपुर में पुनरीक्षित पद संरचना में 68 अतिरिक्त पद स्वीकृत दी गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है और यहाँ देखेंगे तो रायपुर के नगर निगम में 68 अतिरिक्त नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है और यहाँ अपडेट भी देख सकते हैं। ये आज ही का अपडेट है। हमने जो यहाँ PDF में पूरी जानकारी देखी उसका यहाँ वही जानकारी यहाँ भी दी गई है, आप इसको पढ़ेंगे तो। और यह जो वैकेंसी जारी की जाएगी ये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे और व्यापम या PSC के माध्यम से इस पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की जाएगी। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। हमने यहाँ 68 पदों के बारे में जानकारी देखा, अब देखते हैं 80 पदों के बारे में जानकारी। यहाँ आप देखेंगे तो कुल 80 पद हैं और ये भी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ही ये भी जारी किए गए हैं। यहाँ बताया गया है नगर निगम पालिका रायपुर के स्वीकृत प्लेसमेंट पद संरचना के अतिरिक्त निम्नानुसार प्लेसमेंट पर कुशल, अर्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की पद स्वीकृत की गई है। इसमें कुल 80 पद हैं। इसमें बताया गया है नगर निवेश गैंग के 20 पद स्वीकृत किए गए हैं, लोक कर्म गैंग के 20 पद, विद्युत गैंग के 12 और पेयजल गैंग के 20 पद हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के 8 पद स्वीकृत किए गए हैं और इन पदों के लिए आने वाले समय में वैकेंसियां जारी की जाएगी। हो सकता है 2020 में ये वैकेंसी जारी किए जाएं। अभी लॉकडाउन की वजह से वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है
और आने वाले समय में इन पर भर्तियां की जाएगी। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे।